कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के मरकजी दफ्तर दारुल औकाफ में आज रियासती वजीर बराए औकाफ ज़मीर अहमद ख़ान ने ई ऑफिस का इफ्तिताह किया है। ई ऑफिस यानी ये पूरे दफ्तर के लिए बहुत ही अहम प्लेटफॉर्म है। ई ऑफिस के ज़रिए तमाम वक्फ बोर्ड बेंगलुरु दफ्तर मरकजी दफ्तर के दस्तावेजात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टोर किए जाएंगे। ई ऑफिस के ज़रिए तमाम दस्तावेजात हासिल कर सकते हैं। पेंडिंग फाइल्स कहाँ पर है, क्या स्टेटस है, ये तमाम जानकारी यहाँ के ऑफिसर्स को मिलेगी। यानी कि ये ई ऑफिस का जो सर्विस है ये यहाँ के ऑफिस के लिए है। यहाँ जो ऑफिशियल्स हैं वो इसका एक्सेस करेंगे, यानी उन्हें जानकारी जो है उन्हें मिलेगी। ये पब्लिक के लिए नहीं है। लेकिन एक जो मसला हुआ करता था कि फाइल मिसिंग है, ये सारे मसले ई ऑफिस के ज़रिए ख़त्म हो जाएंगे। तमाम दस्तावेजात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टेटस के साथ मौजूद रहेंगे। किसी भी फाइल को अगर 3 दिन से ज़्यादा रखना होगा तो उसमें लिखना होगा कि इसका क्या रीज़न है। रीज़न लिखने के बाद ही फाइल को वहाँ रख सकते हैं। यानी कि फाइल मूविंग का स्टेटस भी वो दिखाता रहेगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है पूरे वक्फ बोर्ड के लिए। ये फ़िलहाल बेंगलुरु दफ्तर के लिए, मरकजी दफ्तर के लिए किया गया है। आने वाले दिनों में तमाम रियासत के डिस्ट्रिक्ट्स को भी इसमें जोड़ लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट से जाने वाले फाइल्स का स्टेटस भी आप यानी कि यहाँ के अफसरान के सामने आ जाएगा कि क्या स्टेटस है। दूसरी सबसे अहम खबर यह है कि आज रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान ने लीगल सेल के ऑफिस का रिनोवेशन का जो किया गया था उसका इफ्तिताह किया है। लीगल सेल सबसे अहम हिस्सा है वक्फ बोर्ड का। जितने भी कानूनी कार्रवाई होती है वो लीगल सेल के ज़रिए होते हैं। लीगल सेल की पुरानी ऑफिस को रिनोवेशन करके बहुत ही खूबसूरत और शानदार तरीके से बनाया गया है, जदीद तरीके से बनाया गया है। इसका इफ्तिताह भी रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान ने किया है। कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ का आज ई ऑफिस ओपन किया, ई ऑफिस इनॉग्रेशन किया गया है। ई ऑफिस से फ़ायदा जो है, जो फाइल जो है पेंडिंग रहने की वजह से प्रॉब्लम होता था, अभी ई ऑफिस बनाने की वजह से क्या हो गया, फाइल जिधर कहाँ कहाँ है मालूम पड़ जाता अपने को। तो यानी पेपरलेस ही है, पेपरलेस ई ऑफिस आने से एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता। वक्फ बोर्ड में बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। हाल ही में ये भी सुनने में आया कि हर डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस और एक रेफ्रिजरेटर दिया जा रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस दिया जा रहा है, फ्रीजर क्यों दिया जा रहा है, मतलब कभी बॉडी ज़्यादा वक्त रखने की वजह से फ्रीजर नहीं हुआ करता था, तो पूरे तालुका के अंदर एक फ्रीजर देना करके भी डिसाइड करके इंशाल्लाह ये असेंबली के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वो ये आने वाले बजट में वक्त की तरफ से कुछ प्रपोजल दिया गया, बहुत से ज़्यादा प्रपोजल दिया। इस बार बजट में हम लोग ने पिछली बार 2100 करोड़ रुपये दिया गया था, इस बार हमने 4990 करोड़ का प्रपोजल दिया गया है कि उम्मीद है कि इस बार पूरा हमने जो प्रपोजल दिया था वो प्रपोजल के हिसाब से इस बार बजट में देंगे मुख्यमंत्री करके उम्मीद है हमारे। शुरुआत में आपने ये भी कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज बनाने का भी प्रपोजल, वो भी प्रपोजल है हमारे पास। वो इंशाल्लाह ये असेंबली के बाद वो तय करेंगे। एक 10 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी हमारे चेयरमैन अनवर साहब ने और मेम्बर्स तमाम ने एक 10 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करके रखे, वो 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेडीज़ कॉलेज बनाना करके होता है। इंशाल्लाह ये असेंबली के बाद फाइनल करेंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट आपका था कि वक्फ की ज़मीन पर गरीबों के लिए भी घर बना के देना, तो वो भी है इंशाल्लाह। और एक इधर लीगल सेक्शन का बराबर वक्फ बोर्ड ऑफिस के अंदर लीगल सेक्शन के अंदर बैठने के लिए व्यवस्था सही नहीं थी। और पिछली बार मैं मिनिस्टर बनने के बाद देखने के बाद मेरे ग्रैंड में देखे आज वो ये इसका भी इनॉग्रेशन, इधर लीगल सेक्शन इसका भी इनॉग्रेशन किया ऑफिस का।